प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। शिक्षा का अधिकार 21 का राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 22.1 किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। 2 प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। 3 खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के को लागू नहीं होगी जो क तत्समय शत्रु अन्य देशीय है या ख निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। 4 निवारक निरोध का उपबंधन करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि क ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है, या ख ऐसे व्यक्ति जो खंड 7 के उपखंड ख और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। संविधान 40वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 3 द्वारा अधिसूचना की तारीख से जो कि अधिसूचित नहीं हुई है, खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। 4 निवारक निरोध का उपबंधन करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को 2 मास से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि समुचित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश के अनुसार गठित सलाहकार बोर्ड ने उक्त 2 मास की अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, परंतु सलाहकार बोर्ड एक अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जो अध्यक्ष समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और न्याय सदस्य किसी उच्च न्यायालय
के सेवारत या सेवा निवृत्त न्यायाधीश होंगे, परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा जो खंड सात के उपखंड क के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की जाए। स्पष्टीकरण, इस खंड में समुचित उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है, एक भारत सरकार या उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, दो संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय, और तीन किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या ऐसे प्रशासक के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में वह उच्च न्यायालय जो संसद द्वारा इस नियमित बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए। पांच, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभियावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगा। छह, खंड पांच की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझा जाता है। सात, संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि क किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किस व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिए खंड चार और उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। ख, किस वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किस व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। और ग, खंड चार के उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी।